स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जी हाँ, देश में बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्रीय गृह मंत्रालय, क्योंकि अब मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है जी हाँ, जिसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त एक और जहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलें तेज हो सकती है, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यूसीसी पर दिए गए केंद्र सरकार के को आदेश को लेकर भी अब हलचल तेज होती दिखाई पड़ रही है। और अब यही बड़ी वजह है कि जिसके बाद से ही केजरीवाल, अखिलेश, राहुल, सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी हां, एक बार फिर से गृह मंत्री की राष्ट्रपति से हुई मुलाकात के बाद विपक्षों की घबराहट और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब एक बार फिर से गृह मंत्रालय की ओर से कुछ बड़ा होने के संकेत साफ तौर पर दिए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम नरेंद्र मोदी के अभी जो हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ था उसके बाद पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ से मुलाकात की है। हालांकि हमने आपको दिखाया था कि कैसे मोदी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव किए गए थे और अमित शाह का भी कद बढ़ाते हुए उनकी भूमिका को जिस तरीके से बढ़ाया गया था, इसको लेकर अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल से लेकर या हो सकता है कि पूरे देश में अब बड़ा बदलाव हो सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी नेताओं की बौखलाहट, उनकी घबराहट साफ तौर पर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात को लेकर अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और इस मुलाकात को बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद हमने आपको बताया कि यह पहली अमित शाह की राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो रही है। जी हां, हालांकि जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा का तांडव मचा हुआ है, एक के बाद एक बड़ी टीम जो है बंगाल का दौरा कर रही है, जांच एजेंसियां लगातार ममता सरकार के खिलाफ जो बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अब बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और इसके कयास अब इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है, जिस तरीके से इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे राज्यपाल धनखड़ से लेकर बंगाल में विपक्ष के चेहरा शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल की स्थिति को लेकर राष्ट्रपति को अवगत कराया था। और ये भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे राज्यपाल धनखड़ ने कैसे दो बार अमित शाह से मुलाकात की थी और बंगाल की लगातार विकट हो रही स्थिति को लेकर चर्चा की थी। और इसी को देखते हुए अभी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि आपको बता दें हालांकि एक और एनएचआरसी की टीम लगातार बंगाल की स्थितियों पर अपनी जारी रख रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीएसएफ डीजी राकेश अस्थाना भी बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इसका जायजा लेंगे। और अब इन्हीं तमाम घटनाओं को देखते हुए अब जो राष्ट्रपति के साथ अमित शाह ने मुलाकात की है, इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है कि अब केंद्र सरकार की ओर से किसी भी वक्त बड़ा एक्शन बंगाल को लेकर हो सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तक बंगाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ धूप जारी थी और कैसे लगातार बीजेपी के बड़े आला नेता केंद्र सरकार से बंगाल की स्थितियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अमित शाह एक बार फिर से बड़े एक्शन मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर अब तरह तरह की अटकलें सामने आती भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को साफ तौर पर एक कड़े शब्दों में आदेश दिए हैं कि वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर अब अहम कदम उठाए, इसको लेकर भी इसको देखते हुए भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अब गृह मंत्रालय की ओर से यह कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि लगातार आपको बताते चले यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी, क्योंकि देश में जिस तरीके से अलग अलग सिविल कोड अब तक बनाए गए थे, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना नागरिक से लेकर कोर्ट के तमाम जजों को और उनके न्यायाधीशों को करना पड़ रहा था, इसको लेकर इससे पहले कई बार मांगे हालांकि उठ चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर हाईकोर्ट की ओर से भी केंद्र सरकार को साफ तौर पर ये बड़े आदेश दिए गए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम कदम उठाए जाने को लेकर आदेश
आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यानी कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या फिर समुदाय से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोड बनाया जाए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर केंद्र सरकार से इस पर आवश्यक कदम उठाने के लिए बात कही है। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से अब तक लंबे समय से ये मांग उठ रही थी, और इसी कड़ी में कोर्ट की ओर से अनुच्छेद 44 का जिक्र करते हुए यूनिकोड सिविल कोड लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि अनुच्छेद 44 में सम्मान नागरिक संहिता की चर्चा की गई थी। जी हां, पिछले कई सालों से लगातार इस अनुच्छेद का हवाला देकर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग की जा रही थी। ताकि आपको बता दें कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन अब पूरे देश में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब अमित शाह की राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात को लेकर तरह तरह की अटकलें लगती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए जिस समान नागरिक संहिता की उम्मीद जताई गई थी, उसे अब हकीकत में बदल देना चाहिए। जी हां, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देश में अब सिर्फ और सिर्फ एक कोड की आवश्यकता है। एक समान नागरिक संहिता अनिवार्य रूप से पूरे देश को लिए कानून को प्रदान करती है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू किए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि कई समुदाय, जनजातियों, जातियों या धर्मों से संबंधित भारत के युवाओं को जो अपने विवाह को मानते हैं, उन्हें विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों, विशेष रूप से शादी और तलाक के संबंध में कई तरह के मुद्दों से संघर्ष करना पड़ता है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है इन तमाम लोगों को संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जाना सही नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि अब देश में एक कोर्ट की आवश्यकता है। जहां इसके अलावा आपको बता दें कि कॉमन सिविल कोड की पैरवी करते हुए साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज धर्म, समुदाय और जाति के पारंपरिक बाधाओं को दूर करते हुए धीरे धीरे सजातीय होता जा रहा है, और इन बदलते प्रतिमानों को देखते हुए एक समान नागरिक संहिता क्रम में है। जी हां, तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांगे बढ़ रही थी, और इसी कड़ी में जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से भी कई वादे किए गए थे, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो, चाहे वो तीन तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, फिर चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, लेकिन अब सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई है कि आखिर अब कौन सा बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की ओर से लिया जा सकता है। और इसी कड़ी में अब लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, जिसको लेकर बातचीत करने के लिए अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। जी हां, हालांकि आपको बता दें कि अब मानसून सत्र भी नजदीक है, और ये भी हो सकता है कि अब मानसून सत्र के दौरान कई बड़े ऐलान केंद्रीय सरकार की ओर से किए जाए, जिसमें साफ तौर पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन से लेकर अब जो हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर जो आदेश दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी पार्टी के नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, कैसे अल्पसंख्यक के वोट को हथियाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति अब तक की जा रही थी, कैसे अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर लोगों को परेशान करने का काम किया जाता, लेकिन आपको बताते चले कि मोदी सरकार का सिर्फ एक विजन है कि किसी भी तरीके से लोगों को कोई दिक्कतें ना आए। और यही बड़ा कारण है कि अब साफ तौर पर 370, सीएए, एनआरसी और तमाम बड़े फैसले लेने के बाद अब सरकार की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड में है, जिसको लेकर साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला आ सकता है। और यही बड़ी वजह है कि आज केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।